अगली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम पहुंचेंगे। गोविंदपुर स्थित खेल मैदान तैयार किया गया है पीएम की चुनावी सभा के लिए, जहां पीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 1 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे कांकेर। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा सख्त की गई है। कांकेर को छावनी में तब्दील किया गया है, कई रूटों को भी डायवर्ट किया गया है। प्रधानमंत्री आज कांकेर दौरे पर हैं और चुनावी बिगुल यहां से फूंकेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदान हो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, ताकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई जा सके। तो कांकेर दौरा बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री का, कांकेर का, और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आज मैनिफेस्टो भी बीजेपी का जारी कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। कई रूट्स को डायवर्ट किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करेंगे तो 1 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है प्रधानमंत्री के भाषण का। और नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, आज कांकेर दौरा प्रधानमंत्री का क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तैयारियां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? जी देखिए, कांकेर में जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है। बस्तर के लिए काफी अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर बस्तर की 12 विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस के कब्जे में है। अब वर्तमान में 2018 के जब चुनाव हुए थे तो इस दौरान यहां से 1 से 2 सीटें मिली थी, लेकिन 1-2 सीटें भी अब जो है उपचुनाव के बाद ये पलट कर जो है कांग्रेस के फेवर में आ गई। तो खासतौर पर बस्तर बेल्ट जो है कांग्रेस का बेल्ट माना जाता है, इसमें सेंध भारी करना बीजेपी के लिए काफी टेढ़ी खीर है, जिसके मद्देनजर जो है आज बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो आज पहुंचने वाले हैं और गोविंदपुर में उनकी पूरी सभा होगी। लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि मोदी जी जो है लगभग 2 बजे के आसपास रायपुर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से 2:30 से 3:45 के बीच में यहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जो बीजेपी के जो लीडर थे उनका कहना है कि मोदी जी जो है जब वहां हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे उसके बाद उनकी जो है कार्यक्रम स्थल तक एक छोटी सी खुली गाड़ी में जो है उनकी रोड की एक यात्रा निकलेगी, जनता से वो अभिवादन लेंगे। और काफी ये चुनावी अहम मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस की काफी टक्कर है। यहां पर अगर मोदी जी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका छाप अलग पड़ेगा और बीजेपी के पक्ष में अच्छा माहौल बन सकता है। ये प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन से दिग्गज केंद्रीय मंत्री यहां पर आने जा रहे हैं, आने वाले हैं नीरज? आज देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ अगर खासतौर पर बात करें तो ये जो बीजेपी के राज्य स्तर पर जो बीजेपी के प्रमुख लीडर हैं, चाहे वो अध्यक्ष अरुण साव की बात करें, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, तो वो तमाम लोग मौजूद होंगे। इसके अलावा जो लोकसभा क्षेत्र है कांकेर का और धमतरी के जो कुछ इलाके हैं, धमतरी की जो विधानसभा है वहां से सभी प्रत्याशी और वहां से काफी संख्या में जनता पहुंचने की चालू हो चुकी है। लगभग अगर देखा जाए तो काफी बड़ा यह पंडाल है और संख्या की बात करें तो ये लगभग जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस जो सभा को आ सकते हैं। बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रखिए, अपडेट्स आप लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री आज कांकेर दौरे पर आ रहे हैं और